सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाए वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोई भी कुपात्र व्यक्ति पर गलत जगह दृष्टि ना जाए, दृष्टि को बहुत सवाल लें, क्योंकि पाप जो प्रवेश करते हैं तो या तो आंख से प्रवेश करता है या कान से प्रवेश करता है। या तो हम दूसरों की बातें सुनेंगे, विषयों की बातें, संसार की बातें, तो का अंदर काम प्रवेश करेगा, विकार आएंगे, या आंखों से कुछ देखेंगे। अजा मिलने कोई ऐसा दृश्य देख लिया क्षण भर के लिए, तभी तो उसका जीवन नष्ट हुआ, वरना वो तो सदाचारी ब्राह्मण था। आज बड़ी विचित्र परिस्थिति है कि आंखों के सामने जो चित्र दिखाए जाते हैं सिनेमा में, मोबाइल में, आप अच्छा भला कुछ देखने भी बैठ जाइए, उसमें भी बीच बीच में जो विज्ञापन आते हैं, कुछ कुछ आते हैं, तो लगभग नग्न प्राय। अब ऐसे चित्रों को लोग देखेंगे तो उनकी बुद्धि में क्या आएगा? कहने का अर्थ यह है, इन सब पर हमारी सरकारों को, हमारे जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनको विचार करके इन पर कुछ नकेल लगाना चाहिए कि समाज को यदि गंदगी से बचाना है तो ये गंदगी परोसना बंद करें। हम कई बार कथाओं में मंच के माध्यम से एक बात कहते हैं, छोटी छोटी बेटियों के साथ अत्याचार होता है, दुराचार होता है, पर उन खबरों को दिखाया जाता है, सब सुनकर के दुखी होते हैं। है ही अत्यंत दुख की बात, हमारे भारत जैसे राष्ट्र में जो ऋषि प्रधान देश है, संतों का देश है, ग्रंथों का देश है, और वहां ऐसा घृणित कृत्य हो रहा है। हमारे यहां बेटियां सुरक्षित नहीं है। अरे ये गौरी और गोपी की भूमि है, इस गोपियों की भूमि में बेटियां सुरक्षित नहीं? यहां शक्ति की आराधना होती है, मात्र शक्ति माना जाता है, और देवी माना करके बेटियों की पूजा होने वाले इस राष्ट्र में बेटियां सुरक्षित नहीं है। एक और हम लोग कन्या पूजन करते हैं और दूसरी ओर ये सब, लेकिन उसके मूल में क्या है? उसके मूल में यह है कि हम जो है लोगों की बुद्धि खराब कर रहे हैं। टेलीविजन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जब उनकी बुद्धि में विकृति डाली जाएगी, उनकी बुद्धि खराब होगी और वो जहां तहां जाकर के इस तरह के कार्यों को अंजाम देंगे। इस गंदगी को परोसना जब तक बंद नहीं किया जाएगा, आप कठोर से कठोर दंड दे देंगे तब भी यह रुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि कामातुराणाम न भयम न लज्जा, उस समय उसको भय नहीं होता, मुझे कितना कठोर दंड मिलेगा, मुझे मृत्यु दंड मिल जाएगा, मुझे क्या दंड मिल जाएगा, उस समय उसको दंड का भय नहीं होता। तो कठोर दंड की प्रक्रिया हो यह बहुत आवश्यक है, पर दंड प्रक्रिया की आवश्यकता से अधिक आवश्यकता है कि भैया हमारे युवाओं के मन मस्तिष्क में जो गंदगी भरी जा रही है उसको रोका जाए, उस पर नकेल कसी जाए कि ये गंदगी समाज में ना परोसी जाए। अश्लीलता समाज को प्रदर्शित ऐसे न किया जाए ताकि हमारे बच्चों की, हमारे युवाओं की बुद्धि भ्रमित हो और वो इस प्रकार से उनकी बुद्धि घृणित हो जाए कि वो इतना आदर्शों से, चरित्र से इतना गिर जाए। उसके लिए हमारे सत्ता में बैठे लोगों को विचार करना चाहिए और उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।